आपको जितना ओपनिंग दिखता है अपने प्रोफाइल में आप सब पे अप्लाई करिए, ताकि जो आपकी टीआरसी की जर्नी यहाँ पे होने वाली है वो काफी स्मूथ रहे। कि मेजरली आजकल सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है, तो जो आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो इंटरव्यू प्रोसेस से गो थ्रू होने के पहले बतानी होगी। ये 2 हफ्ते तो आपको यहाँ का हवा पानी समझने में ही लग जाएगा, तो आप घर कैसे ढूंढोगे कि आप इंडिया से कैसे पोर्चुगल में जॉब देख सकते हैं और कैसे अपना पूरा प्रोसेस करा सकते हैं बिना कोई भी पैसा खर्च किए, अपने एम्प्लॉयर के खर्चे पर यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो डायरेक्ट जॉब सर्च करने के लिए राधा वेटिंग फॉर योर टर्न फॉर योर ऑन साइट इन योर कंपनी बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन योर शिफ्ट्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन आई एम रूपल और मैं बनाती हूँ वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल अराउंड द यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर आप जानना चाहते हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज, और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, चीज़ें कैसी होती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप पोर्चुगल में जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे आप अपना वर्क परमिट लगवा सकते हैं पोर्चुगल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी होम कंट्री से पोर्चुगल में जॉब ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर मैं होम कंट्री इंडिया को कंसीडर करने वाली हूँ कि आप इंडिया से कैसे पोर्चुगल में जॉब देख सकते हैं और कैसे अपना पूरा प्रोसेस करा सकते हैं बिना कोई भी पैसा खर्च किए, अपने एम्प्लॉयर के खर्चे पर यहाँ कैसे आ सकते हैं। सो आपकी ये जो जर्नी है ये स्टार्ट होगी जॉब हंटिंग से, जो कि आपको इंडिया में रह के ही करनी है। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब सर्च करने के लिए पोर्चुगल में या यूरोप की किसी भी कंट्री में लिंक्डइन, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं वो भी लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जो जॉब सीकर्स हैं वो भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं लिंक्डइन पे। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स दैट यू कैन यूज। लिंक्डइन के अलावा ना कई और भी पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे इंडीड है, और मैंने बाकी सारे पोर्टल आपको स्क्रीन पे दिए हैं, तो आप इन पे भी जाके जॉब देख सकते हैं। और जो भी आपकी फील्ड का या आपके प्रोफाइल का जॉब है जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। सो अगर आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे जॉब ढूंढने का। तो आप ऐसे ही प्रोफाइल्स में अप्लाई करेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे आके। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है कि जहाँ भी आपको जॉब ओपनिंग दिखती है आपको अप्लाई करना है, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 जॉब्स अप्लाई करे और हो गया और आप उसी से उम्मीद लगा कर बैठे हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। जैसे कि आजकल सारी चीज़ें रिमोटली हो जाती है, तो ऐसा यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जॉब्स में होता है कि आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, वर्चुअली आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, आप इंटरव्यू दे देंगे, कोई टेस्ट होगा फॉर एग्जांपल कोडिंग वगैरह का, तो वो भी आप दे सकते हैं इंडिया से। और आपकी एचआर के साथ भी कॉल होगी जहाँ पे वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूछेगी, आपका रीज़न पूछेगी कि आप इस कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। इसके अलावा वो आपको, जैसे नई कंट्री में मूव होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपको कितनी सैलरी मांगना है, तो वो आपको कई बार ना एस्टिमेशन बना के भी भेजती है कि यहाँ पे इतना रेंटिंग है, इतना ग्रोसरी का जाता है, इतने सारे एक्सपेंसेस हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा सैलरी एस्टिमेट करने का और अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने का। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मार्केट स्टैंडर्ड, यू नो, आपको कुछ ना कुछ नंबर बोलना होगा तभी वो आपका प्रोफाइल आगे लेके जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोल दिया मार्केट स्टैंडर्ड, और एट द एंड जब आप कुछ मांग लोगे ऐसा कि वो नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उनका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ ऐसा होता है, जब तक आप सैलरी नहीं बताओगे कुछ एक्सपेक्टेड, आपका प्रोफाइल वो आगे नहीं लेके जाते हैं। तो आपको सैलरी एस्टिमेट करनी होगी यहाँ के एक्सपेंसेस देखकर। तो जो आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो इंटरव्यू प्रोसेस से गो थ्रू होने के पहले बतानी ही होगी। तो एक बार जब आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है और आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा ऑफर लेटर जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे, आपकी सैलरी लिखी होगी। बट इसके बाद स्टार्ट होता है मेन क्रिटिकल प्रोसेस, जो कि होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वीज़ा प्रोसेस होता है, और वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं और वो आपको इंडिया में ही करनी होंगी। आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से, बट इन पर्सन आपको ही जाना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सब आपको ही बनवाना होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है इसके बाद। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है लास्ट 3 मंथ्स की, फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, उसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे वो आपको अकोमोडेशन प्रूफ दिखाना होता है, फ्लाइट टिकट दिखाने होते हैं, और इसके अलावा PCC आपको देना होता है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आप जो देखेंगे वो कॉमन ही है, जैसे कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं।
बट उस केस में जो अकोमोडेशन है या जो फ्लाइट है वो आपको खुद टेक केयर करनी होती है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में मूव होते हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको इनिशियल कुछ डेज का अकोमोडेशन देता है और जो आपकी फ्लाइट टिकट्स हैं वो भी उनके थ्रू ही कवर करी जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी अपने एम्प्लॉयर से। बट ये केस टू केस वेरी हो सकता है कि या तो वो खुद आपको बुक करके दे देंगे, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो लोग कुछ बजट दे देते हैं कि आपका बजट है इसमें आप अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कर लीजिए, अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए, या जो भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको बोले कि आप अपना फ्लाइट टिकट्स बुक कर लीजिए, अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए, और जो आपका रिइम्बर्समेंट है उस अमाउंट का वो आपको ज्वाइनिंग के बाद देंगे। ये बहुत ही नॉर्मल है, बट समटाइम्स क्या होता है कि लोग थोड़ा घबरा जाते हैं यहाँ पे कि हम अपना पैसा क्यों फंसाएं बाद में पता नहीं क्या सिचुएशन हो। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है तो आप उसे ईमेल पे ये चीज़ मंगवा लीजिए या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखवा लीजिए, तो आप भी सेफ साइड रहेंगे और आपको भी श्योरिटी रहेगी कि रिइम्बर्समेंट आपको मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो कि एक डिक्लेरेशन होता है जो आपको आपके एम्प्लॉयर के साइड से मिलेगा, जिसमें कि वो मेंशन करते हैं कि उन्होंने आपको एक ऐसी स्किल के लिए हायर किया है जिसके लिए उन्हें यहाँ पर रिसोर्स नहीं मिले हैं, और उसमें सारी उन्होंने डिटेल्स भी मेंशन करी होती हैं कि आपको कब यहाँ पे ज्वाइन करना है, अगर उन्होंने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है या जो भी उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। और उस डिक्लेरेशन के थ्रू वो जो पोर्चुगल की एम्बेसी है इंडिया में उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें यहाँ पोर्चुगल आने के लिए, जो वर्क परमिट होता है। और ये जो डिक्लेरेशन लेटर है ये ओरिजिनल कॉपी इसकी चाहिए होती है, तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको कुरियर करके इसको इंडिया भेजेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। बाकी फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे सबमिट करने होते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ, और उसी के साथ साथ आपको ये डिक्लेरेशन लेटर भी देना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप किस एम्बेसी में जाने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि जो पोर्चुगल एम्बेसी है वो गोवा में भी है और न्यू दिल्ली में भी है। तो आपको बहुत इनिशियल स्टेज पे ये क्लैरिफाई कर लेना होगा कि आपको किस एम्बेसी में जाना है, क्योंकि जो भी एम्बेसी आप चूज़ करोगे उसी को एड्रेस करते हुए आपका एम्प्लॉयर जो डिक्लेरेशन लेटर है वो बनाएगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलत एम्बेसी चूज़ कर लिया और आपने लेटर भी बनवा लिया उसके लिए और वो कुरियर करवा के इंडिया आ भी गया, और उसके बाद आपको पता चला कि आप गलत एम्बेसी में अपना पूरा प्रोसेस करने जा रहे थे, तो फिर आपको दोबारा से लेटर मंगाना पड़ेगा जो आपके प्रोसेस को और भी लेंथी बना देगा फिर। और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको किस एम्बेसी में जाना है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप लास्ट 6 मंथ्स में कहाँ पे रह रहे हैं। तो आपकी जो सिटी ऑफ रेजिडेंस है वो डिसाइड करती है आपके लिए एम्बेसी। आप यहाँ पे ध्यान रखें थोड़ा, सिटी ऑफ बर्थ नहीं, सिटी ऑफ रेजिडेंस। एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको वेट करना है, और जो वीज़ा का डिसीजन है वो आने में 60 से 90 डेज लग जाते हैं। और ये 60 से 90 डेज में आपको कुछ नहीं करना है, इस ड्यूरेशन में आपको अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए और आप अपना जॉब के लिए जाओ। रेयर केसेस ही होता है कि वर्क परमिट कभी रिजेक्ट हो, क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्डर में होती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सारा कुछ रहता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रूव ही होता है वीज़ा हमेशा। और 60 to 90 डेज एक टाइम पीरियड है, आपको 10-15 दिन में भी वीज़ा अप्रूवल मिल सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो जब आप सबमिट करते हो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपका पासपोर्ट भी सबमिट हो जाता है उसके साथ, और जब आपको वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है तो जब आपका पासपोर्ट आपको वापस मिलता है तो उसमें वीज़ा आपका स्टैम्प रहेगा, और जैसे ही आपको वीज़ा मिल जाता है आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना पैकिंग करना पोर्चुगल फ्लाई करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी प्री बुक्ड हैं। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप अपना अकोमोडेशन और फ्लाइट खुद से बुक करने वाले हैं, जो भी बुकिंग्स आप कर रहे हैं आप थोड़ा बुकिंग्स को फ्लेक्सिबल रखिए कि वर्स्ट केस में कुछ भी हिकअप हुआ आपके वीज़ा प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपकी जो बुकिंग्स हैं जैसे कि फ़्लाइट टिकट्स हैं वो आपको फिर से आपको रीशेड्यूल करने होंगे, और आपकी जो अकोमोडेशन की बुकिंग्स हैं वो भी आपको रिवाइज करनी होंगी। तो आप कोशिश करिए कि आप फ्लेक्स प्लान लें जिसमें आपको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज ना लगे कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आने पर। एक बार जब आप आ जाते हो फ्लाई करके यहाँ पे अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपका स्टार्ट होता है यहाँ का पेपर वर्क, जिसमें आपकी HR और आपका जो ऑफिस का लीगल डिपार्टमेंट है वो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर आकर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे NIF है, NISH है, यहाँ पर आके आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। बट इन सारी चीज़ों से सबसे ऊपर होगा यहाँ पे आके घर ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे घर ढूंढना इतना आसान नहीं है। और इसलिए जब आपको अकोमोडेशन मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से
जब आप इंडिया में हैं उसी टाइम आप उनसे बात कर लें कि आपको एटलीस्ट 1 month के लिए आपको अकोमोडेशन ज़रूर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो भी है वो आपको 2 weeks का अकोमोडेशन देगा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको मिनिमम 1 month का दें और मैक्स आपको जितने का मिले आप उतने का ले लीजिए, क्योंकि 2 week में यहाँ घर ढूंढना पॉसिबल नहीं है। 2 week आपको यहाँ का हवा पानी और यहाँ की लैंग्वेज समझने में ही लग जाएगा कि लोग बोल क्या रहे हैं। और हाउस हंटिंग से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी प्रो टिप्स मिलेंगे यहाँ पर घर ढूंढने के लिए और आपकी जो हाउस हंटिंग की जर्नी है वो भी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप किस तरह से यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, कैसे अपना वर्क परमिट लगवा सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली होगी यहाँ पर डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने के लिए रादर वेटिंग फॉर योर ऑन साइट टर्न, क्योंकि लोग काफ़ी सारा एफर्ट्स देते हैं अपने ऑन साइट जाने के लिए, अपना टर्न आने के लिए। तो अगर आपका टर्न नहीं आ रहा है ऑन साइट के लिए तो आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन डू दिस। जैसे ये सारी डिटेल्स को सर्च करते हुए आप मेरे चैनल तक पहुंचे हैं, वैसे मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।